जावेद अख्तर के ये दमदार डायलॉग्स आज भी चढ़े हैं लोगों की जुबान पर। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर में से एक जावेद अख्तर का आज जन्मदिन है। जावेद अख्तर ने हिंदी सिनेमा को ऐसे डायलॉग्स दिए हैं जो ताउम्र बॉलीवुड के लिए जिंदा रहेंगे। जावेद अख्तर के जन्मदिन के मौके पर एक नज़र डालते हैं हिंदी फिल्म जगत को दिए यादगार डायलॉग्स पर। सबसे पहला डायलॉग जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, आज खुश तो बहुत होगे तुम। दूसरा डायलॉग, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तीसरा डायलॉग जिसे आज भी यंगस्टर्स भी यूज करते हैं, मेरे पास माँ है। चौथा डायलॉग, हमारे देश में काम ढूंढना भी एक काम है। पांचवा डायलॉग, मैं जब भी किसी से दुश्मनी मोल लेता हूँ तो सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। छठा डायलॉग, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। सातवां डायलॉग जो कि फिल्म शोले से है, ये फिल्म माइलस्टोन साबित हुई और इसके डायलॉग्स आज भी गली गली में लोग बोलते हैं, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। आठवां डायलॉग, तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। नौवां डायलॉग, ये भी शोले फिल्म से है जो कई बार कई लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सिचुएशन पर कॉमेडी करने के लिए, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। दसवां डायलॉग, इस दुनिया में दो टांग वाला जानवर सबसे खतरनाक है। ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो सबके जुबान पर आज भी चढ़े हुए हैं और जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए हैं। इन डायलॉग्स ने जावेद अख्तर साहब के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और आज उन्हें बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर और सॉन्ग राइटर के तौर पर हम सभी पहचानते हैं। इन सभी डायलॉग्स और गीत के लिए उन्हें 7 अकेडमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इंडियन फिल्म हिस्ट्री की तरफ से जावेद अख्तर साहब को अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।